मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। सो डियर फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैंने सीरीज स्टार्ट की है जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, और इसमें मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं और एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर्स की अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और ई कैट एम कैट के हवाले से एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं, पूरी बुक के मैंने इस तरह लेक्चर बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 90+ नंबर चाहते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको जो आने वाली वीडियोस जो हैं वो जल्दी से आपको मिलें और आप उसे देखें, और जो आप जो मैं काम करवाता हूँ आप उसको कॉपी पे लिख लिया करें कि आपकी इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आज हमारा जो टॉपिक जो है क्लास 11th में से, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर आपने आइसोटोप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आइसोटोप के बारे में बताया हुआ है कि उस आइसोटोप जो है हमारा टॉपिक उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर देखिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो रिलेटिव अबंडेंस में से जो टॉपिक आएंगे बोर्ड्स में वो है डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस, एमसीक्यूज और डिफाइन मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस, राइट नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स चैप्टर 1 है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें टॉपिक हमारा सेकेंड टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप of an element relative to other isotope of the same element is called relative abundance of isotope. Mean to say, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो इसमें अबंडेंस टोटली कितनी है, तो इसमें हम जो है अबंडेंस देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन 1 कितने परसेंट, हाइड्रोजन 2 कितने परसेंट, हाइड्रोजन 3 कितने परसेंट है, या हम कह सकते हैं नेचुरल अबंडेंस कि जो अर्थ में कितने परसेंट कौन से जो है आइसोटोप अबंडेंस करते हैं या उसकी क्या टाइप्स हैं। तो सारा हम जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में इसमें देखेंगे। तो आइसोटोप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस, द एलिमेंट विच हैव ओनली वन आइसोटोप, जिस एलिमेंट का सिर्फ एक ही आइसोटोप हो उसे हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है दोनों। तो आगे जो है, अब रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अब जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमने यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जो हाइड्रोजन 1 और 2 ज़्यादा जो है अबंडेंट है, तो हाइड्रोजन 199.985% अबंडेंस है इसकी, और जो हाइड्रोजन 2 है उसकी 0.015% इसकी अबंडेंस है, ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन 3 की। तो इस तरह जो आप कार्बन का और नाइट्रोजन का, इन तीन का आप याद कर लें, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप ये अच्छे तरीके से देख लीजिए अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इन परसेंटेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है और साथ एमसीक्यूज पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। अब लिथियम के 2 आइसोटोप में याद कर लें आप, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन की 3 आइसोटोप हैं, हर एक के 3 आइसोटोप्स हैं, और इस तरह निकल के जो हैं 5 आइसोटोप्स हैं, और कैल्शियम, पैडियम के भी और कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं, और इस तरह ही SN के 11 आइसोटोप्स हैं। तो आपको फिंगर टिप्स पे ये याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और MCAT और ECAT के हवाले से भी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल अबंडेंस हमें आइसोटोप्स की क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके लिए मैंने पॉइंट्स बना के देख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, All elements which have isotope have a definite ratio of natural abundance. कि हर isotopes की एक कुदरती तौर पे उसकी abundance है percentage में। और दूसरा point है, हम अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीयू है कि हम रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप की हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसकी अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत लॉन्ग हमारे पास क्वेश्चन होता था पहले, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक छुटवा दिया गया है। सो तीसरा जो है पार्ट इसमें दे आर मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 डिफरेंट आइसोटोप जो हैं वो नेचर में अकर करते हैं, ठीक है, जिसमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आइसोटोप्स भी हैं, वो भी आगे देखते हैं। सो इसमें जो है देर आर ऑल्सो 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो स्टेबल नहीं है, ठीक है, विच हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्टिफिशियल जो डिसइंटीग्रेशन, जो खुद पैदा किए गए आइसोटोप्स वो 300 हैं, वो अनस्टेबल हैं। फिफ्थ पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर डू नॉट हैव मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप, इसके दो से ज्यादा आइसोटोप्स नहीं होते, इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिक्स पॉइंट जो है, आउट ऑफ 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स देर आर 154 आइसोटोप्स विच हैव इवन मैस नंबर। अब जो है 154 आइसोटोप्स जो है जिनका इवन मैस नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है, जो बाकी रह गए वो हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर है, ऑड मैस नंबर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा पार्ट नंबर 7 है, इसकी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से रिलेटेड। द एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप, ठीक है, एंड मैस नंबर मल्टीप्लाइज ऑफ 4, मल्टीप्लाई मतलब 4 का हमारे पास अगर 3 है तो उसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें, हमारे अर्थ क्रस्ट पे 50% जो आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं, सॉरी 5 हैं, ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम के, सिलिकॉन के, कैल्शियम के और आयरन आयरन के, ठीक है जी। ऑक्सीजन के 16 वाला, Mg का 24 वाला, Si का 28 वाला, कैल्शियम का 40 वाला और Fe का सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है 56 वाला, ठीक है। तो आप ये अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से और जो है आपके बोर्ड के हवाले से भी। तो आज हमने सीखा कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, इसकी आइसोटोप्स के मोनोआइसोटोपिक क्या होते हैं और डिफरेंस नेचुरल अबंडेंस सीखी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। आप इस तरह किया करें कि आप साथ साथ नोट कर लिया करें, क्योंकि ये आपके एक नोट्स बन जाएंगे और आपके जब आप लिखते हैं ना तो हमारा दिमाग से एकदम कैरी करता है, तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90+ नंबर आएंगे। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो और मैं अच्छी से अच्छी और आपके लिए कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल और जो आपके लिए है इंफॉर्मेटिव वीडियो और जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है मोल्स के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का।